परापूर्ण पौरुष परिपूर्ण सैनिक वही जिसमें हो सारी शक्ति, उर्मे उमंगे हो उठती तुरंगे, रहे राष्ट्र के प्रति सदा प्रेम भक्ति, बलिदान तप त्याग की जिंदगी, अनुशासित रहे जैसे सागर का पानी, सच्चा सैनिक वही माँ मही के लिए, हंसते हंसते लुटा दे जो अपनी जवानी। एक तर्ज भाई है, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, ये भी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा दिए शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। वतन पर मरना वतन पर जीना सबके बस की बात नहीं है। वतन पर मरना वतन पर जीना सबके बस की बात नहीं है। शेर का मुर्चा शेर संभाले, गीदड़ की औकात नहीं है। सही है। अरे वतन पर मरना वतन पर जीना
वतन पर मरना वतन पर जीना शेरों का औकात यही है। वतन पर जीना वतन पर मरना भैया देखा ही कहानी कहाँ कहो। हरियाणा में बाबा और तर्ज भाई विदेशिया जिला भिवानी गांव बीजापुर के बतिया रहे एक यादव परिवार। वो यादव का नाम रहे रामा और फौज का जवान रहलन। जिला भिवानी गांव बीजापुर के बतिया रामा यादव फौजी जवान 65 की लड़ैया में रामा शहीद भइल गोदिया भइल बा बीरान। उनकी औरत का नाम रहे ममता देवी और 65 की लड़ाई में जब शहीद हो गेलन तो 3 साल का बच्चा उनके गोद में रहल ममता देवी के। यहाँ एक तर्ज बदल गई। गिर गिर जाला नारे बुनवा गिर गिर जाला नारे बुनवा गिर गिर जाला ना पिया मोरा जाय के मसाला जरा दुनवा रे बुनवा गिर गिर जाला ना आ पिया मोरा जाय के मसाला जरा दुनवा रे बुनवा गिर गिर जाला आ पिया मोरा जाय के मसाला जरा दुनवा रे बुनवा गिर गिर जाला। पाल लगली नारे रामा पाल लगली ना हो दिनवा काट लगली ना पगली सिनवा में लईका तूफनवा दिनवा काट लगली ना पगली सिनवा में लईका तूफनवा हो दिनवा काट लगली ना पगली सिनवा में लईका तूफनवा हो दिनवा काट लगली ना पिया के सुरतिया साले ले छतिया मोतिया ढूरे लड़ाई में रामा यादव जब मर गईलन तो उनकर पत्नी ममता देवी कोमल सिंह के पाल के जब 20 साल के कहलिन और कहलिन कि बचवा तुम अपने देश का जवान बना फौज के सिपाही बना ये हमारे खानदान में यही चला ले आवत हो भारत माँ के लिए सेवा में लग जा। तो भैया भर्ती हो गईलन। जब भर्ती हो गईलन 20 साल के उम्र में तो ममता देवी की एक चिंता हो गई कि बेटवा गए बा ट्रेनिंग पर और ट्रेनिंग पर से जब लौट के आई हैं तो उनकर शादी हम कह देव एक ठे दुल्हन खोजलिन उनके बदे वो दुल्हनिया का नाम रहे ममता देवी।
बीए पास लड़की मिल गई, बड़ी खूबसूरत, ओकर नाम रहे ममता देवी। हाँ, लड़किया के नाम रहे सुषमा देवी। एक ठे तर्ज आ गए, रात रजनी गंदा का फूल गम गमाए, सवरिया के पिछवा चाँद आ गई, गोरी रे गोरी रे गोरी तोरी याद आ गई, याद आ गई। यह तर्ज सुषमाया कोमल की शादी रचाई, सुषमाया कोमल की शादी रचाई, सुषमाया कोमल की शादी रचाई, कली पाके भंवरवा निहाल हो गई, जोड़ी रे जोड़ी बेमिसाल मिल गई, बेमिसाल मिल गई। अच्छी जोड़ी सुषमा और कोमल सिंह। तो जब पहली मुलाकात भइल है तो 9 महीना के बाद एक लड़की पैदा भइल, मंजू नाम पहली बेर जन्मी कुमारिया, झड़ा में जैसे बसंत फिर से आइल, बिहसे अंगनवा खुशहाल हो गई, जोड़ी रे जोड़ी जोड़ी बेमिसाल मिल गई। लड़की का नाम मंजू और लड़का का नाम संजू। धीरे धीरे लड़किया 16 साल के हो गई, और हर कोमल सिंह के रिटायर का भी समय आ गई। उनकर दुल्हन सुषमा कहलिन कि कम से कम लड़किया के शादी कह के और एक चीज़ से खाली हो जा, बेटी के भार से उत्तीर्ण हो जा। तो कहें यदा पारी हम छुट्टी में आए गर्मी के समय में, तो लड़की के शादी खोज के कह के तब जाब। तो भैया एक ठे तर्ज आ गए, पियल शराब गाजा ताड़ी, हमार पिया मिलले जुआरी, दुल्हन का माई कहत हैं, लड़किया के माई कहत हैं कि लड़की सयान हो गई, तुम्हें चिंता नहीं हो, मंजू बेटी भई अब सयानी, मंजू बेटी भई अब सयानी, भय दोनों के चिंता समानी, मंजू बेटी भई अब सयानी, भय चिंता में दोनों प्राणी। अब दोनों प्राणी का चिंता हो गए, दो माह की छुट्टी पर कोमल सिंह आए, दो माह की छुट्टी पर कोमल सिंह आए, दो माह की छुट्टी पर कोमल सिंह आए, घर पर सुघर खोज शादी रचाए, घर पर खोज शादी रचाए, घर पर सुघर खोज शादी रचाए, लगन पड़ी है किस जून सानी, भय चिंता में दोनों परानी, एक महीना बीत गया है छुट्टी, 1 महीना बाकी हो, हाली हाली शादी ठीक है के सामान जुटावत हो लड़की के ब्याह करे बदे, लेकिन अब 20 दिन और बाकी रह गए हो, तब तक होत का हो, रद्द भई छुट्टी तार पीछे से आई, रद्द भई छुट्टी तार पीछे से आई, रद्द भई छुट्टी।
सुषमा सुन यकुलानी, मंजू सुषमा सुन यकुलानी, भय चिंता में दोनों परानी। बाकी है लड़की के शादी का, तब तक तार आ गई कि सिख राजवान कारगिल लड़ाई छिड़ गई है। जवानी तार पाए के और अपन हौसला बनाओ था कि अब चली भारत माँ के सेवा में लग जाई। तो दुल्हनिया और लड़कियां दोनों रोवत थे, उनकर कहा कहते हैं कि तू चल जीवा तो सदिया कैसे हुई। कहे कि भाई हम जा थे भाई देश का हाल देख के, तब हम बताए कैसे शादी हुई। तू हऊ ना सब पैसा ले ला खर्च करा शादी करा, और हमारी ड्यूटी हम जा थे भाई है। एक तर्ज कि पनिया बरसया पथरवा, गोलावा छूट चाहे गोलिया पहरू पहरा पर खड़ा। अपने पति के पैर पकड़ के कहा कहे थे ना, मिलिट्री के जवान तैयार है एकदम। बोली पग पकड़ दुलहिया अब के गए यही बकहिया मर सिपहिया सजना। एक बार तो हम आवे के पड़ी शादी में, और हम सब तैयारी कैले रहब। दुल्हन बतावत है कि फिकर न करना शादी की हम किए रहब तैयारी। फिकर न करना शादी की हम किए रहब तैयारी। फिकर न करना शादी की हम किए रहब तैयारी। कन्यादान पर आ जाना बस बिनती यही हमारी। बिटिया विदा होई जहिया के बुझाई वो कर दहिया मर सिपहिया सजना। बिटिया विदा होई बस दो रोज बदे आ जाइ है। एक दिन लड़की के कन्यादान दे के बिहने विदाई करके चल जाया, तो जवान अपन रवाना हो गए। तो यहाँ एक तर्ज बदल गए। वाह वाह धन गैली धनबाद कमाए हर पढ़ली बहुत कलेस अंगनवा गला परदेस। मस को हमें भीषण छिड़ी लड़ाई। अरे भीषण छिड़ी लड़ाई हो रामा, भीषण छिड़ी लड़ाई, भीषण छिड़ी लड़ाई हो रामा, भीषण छिड़ी लड़ाई। 10 दिन शेष बची शादी तब जान की पाती आई। अरे जान की पाती आई हो रामा, जान की पाती आई, जान की पाती आई हो रामा, जान की पाती आई। जब संदेश आयल है कि घबराए मत हम आ जाब, तेर से दुल्हन फिर से का कहत बाय कि पति को देखी सुषमा रनिया जाए आवे परे सनिया पनिया जाए ना, बल्कि जाए जिंदा गनिया पनिया जाए ना।
तो भैया देखा सूरदास अब जवान जौन बाय बा कैसे कैसे अपने घरे से जाए कि वहां सीमा पर जूझ गए हो कैसे। अरे वतन के प्रहरी सच्चा जोगिया देखे लहू वतन का सींचा उजड़ी बगिया सीमा के प्रहरी सच्चा जोगिया देखे लहू वतन का सींचा उजड़ी बगिया देखिए जवानन का कर्तव्य क्या जब लोग खेलते हैं होली तब जवान झेलते हैं गोली जब लोग मौत से भय खाते उनका रिश्ता दामन चोली चाहे बर्फीली चोटी हो चाहे आधी बरसात रहे चाहे गिरकानन घाटी हो चाहे गोला घरा रहे चाहे मैयत घर पड़ी रहे चाहे संकट की घड़ी रहे चाहे मुंह पाए खाने को खुद मौत सामने खड़ी रहे इसके मगर परवाह किए सैनिक सीमा में जूझता है जैसे अर्जुन के मीन नयन भेदन को लक्ष्य बस सूझता है। जानन का निशाना एकदम दुश्मन के तरफ बा भारी जवान तो जवान हमार जो है कोमल सिंह अपने साथियों से बोला कि आओ चढ़े जा पहाड़ी के ऊपर बाबा वो सब ऊपर से मार रहे हैं हम लोग मर रहे हैं तो चलकर वहां भिड़ा जा हम लोग पहाड़ पर। अरे चलल वीर कोमल सिंह रामा चलल वीर कोमल सिंह सीने ले तूफानवा हो जवनवा सर्प बाने कफनवा ना के बल सरकत घिसर आई पहुंचे चोटी ऊपर जाई पहुंचे चोटी ऊपर जाई पहुंचे चोटी ऊपर जाई जहवा दुश्मन पैर जमाई हाथ उठा ले लेकिन पीछे से एक जवान गोली मार दिलस पाकिस्तानी और कोमल सिंह जब गिर गयलन है तब उनके आंख से आंसू आवे लगल का कहत हो अपने साथियन से कि अंतिम सांस आस भरी आई रो रो जवान कहे बिलखाई कल बेटी के बरात आई हसाई इतना कहत कहत मोरे रामा
जान भय शहीद सरकार भेजी सूचना हर मिलल तार जहिया आयल बेटी के बरतिया। अरे मंजू बेटारी जो है बाबूजी के रहिया रो रो पूछे लागी माता से कुशल दिया। सुषमा बहाना कैली काम मरदाना कैली बतिया छिपवली कर बजरवा के छतिया। रिश्तेदार घराती मिलके कैल मदतिया हो शादी भाई संपन्न जब बीतल का फिरतिया। देखिए माँ का कलेजा तार आया पढ़कर छिपा लिया कि मेरे पति शहीद हो गए और बारात आई है लोग खाएंगे नहीं अगर पता पा जाएंगे तो बेटी की शादी भी रुक जाएगी। छिपा लेती है शादी का संपन्न जब हो गया 3:30 बजे भोर में तो माँ गश्ती खा के गिर जाती है और लड़की वो तार को पा जाती है और पढ़ती है कि मेरे पिता शहीद हो गए। एक बार मुँह से निकलता कि हाय पापा कह के गिर जाती है। अरे लगी हाथ में मंजू क्या जब बतिया मतिया मारी बा पढ़ के मालूम भैली सारी बतिया मतिया मारी बा निकला चीख मंजू के मुंह से गिर गई धरतिया हो अंतिम साथ निभावे चलनी बाप के साथ है बिटिया हो। अरे निकला झाग रुक गई हृदय की गतिया मतिया मारी बाप खबर पा के दौड़े बर बरतिया मतिया मारी बाप कोई न जाने विधि गति यति बलवान। सुषमा बेचारी रोवही अरा के फारी कौने कसूर मुँह से रूठे भगवान। बूढ़ी माता ममता रोव सूझे न नजरिया बूढ़ी उमरिया नाही निकल परान। जवान गलहास लेके आ गई जहजिया बरात और घराती सब मिलकर जनाजा उठा रहे। अरे अंतिम सासुर की नगरिया सजल डोलिया चल लिया मारा शहीद और गया मारा टोलिया।